और एक अनोखा डिश हमारा उड़ीसा का पखाळ। तो पखाळ में सबसे स्पेशल है ये। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। उत्तराखंड से आके एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हम फिर से जा रहे हैं एक जगह घूमने। पहले सोचा कि वीकेंड में थोड़ा रेस्ट करते हैं, 3 दिन रुकने के बाद लगा कि रेस्ट तो सिर्फ फॉरेस्ट में हो सकता है, नदी के किनारे हो सकता है, घर के अंदर रेस्ट जैसा फील नहीं हुआ 3 दिन में। तो फिर से जा रहे हैं, आज थोड़ा आयुष्मान एक्साइटेड है। नदी में नहाना है और जंगल के बीच जाएंगे पिकनिक। हाँ, पूरा डीप फॉरेस्ट होके जाएंगे। हम ऑलरेडी जा चुके हैं वो जगह को, फिर से जाएंगे दोबारा। लास्ट टाइम जब विजिट किए थे कुछ खाना वाना नहीं बनाए थे, तो आज कुछ एक्साइटिंग खाना भी बन रहा है हमारा उड़िया वाला, आप लोगों से पूरा डिटेल शेयर करेंगे। तो चलो फिर निकलते हैं, जंगल में मस्ती करेंगे आज। क्या आयुष्मान, GPS के हिसाब से 2 घंटा 38 मिनट्स 88 किलोमीटर बता रहा है, तो पहुँचते 12 बज जाएगा। फिर खाना बनाएंगे और एक डेढ़ दो घंटा लगेगा। लेकिन यार जर्नी जो है ना, ये जो रास्ता है बहुत ही ज़बरदस्त है, और बीच बीच में ऑफ रोड भी आएंगे। आप नज़ारा देख लेना वीडियोस में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो निकलते हैं। हम तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर से कर्नाटका एंट्री करेंगे, तमिलनाडु बॉर्डर फिर से होगा। तो ऐसा बॉर्डर आता रहेगा, क्योंकि रोड हम जो ले रहे हैं ना, वो जिगनी आनेकल रोड, उसके बाद थाली रोड, ये वाला रूट है। क्योंकि हम जो रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड में रहते हैं, और उधर से थोड़ा सा दूर जाओ 20-30 किलोमीटर, आपको पूरा गाँव वाला माहौल, जंगल वाला ऐसा आ ही जाता है। UP एंड मध्य प्रदेश जैसा। हाँ देखो, आयुष्मान को याद है उधर कितने बार हम यूपी से मध्य प्रदेश से यूपी हुए आने के टाइम पे इसको ना वोमिटिंग का फीलिंग आया, इसलिए आगे आ गया। वोमिट भी हो गया, वोमिट हो थोड़ा किया भी है, मोशन सिकनेस ना, जब आगे बैठता है कुछ नहीं होता है, पीछे बैठता है तो थोड़ा बहुत होता है। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि रोड में सिर्फ हम ही हैं, बाकी कोई नहीं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर जंगल आ ही जाएगा। 30 किलोमीटर तो आगे और 55 किलोमीटर बाकी है। कह रहे पीछे चला जाएगा। ओके ओके, उसको कंपनी देने के लिए आज ये है राजेश, से मेरा बड़ी बहन की छोटी बेटा, इधर छोटा बेटा, उधर इधर पढ़ाई करता है ना, अभी तो उसको खुल गया सब कॉलेज वॉलेज, तो अभी सब आयुष्मान के भी खुल जाएगा। दो भाई पीछे बैठे। मैंगो फार्म इधर नहीं, उससे बेहतरीन जगह मिलेगा आयुष्मान। आज हमें नदी के किनारे खाना बनाएंगे। सिर्फ बंदर नहीं आना चाहिए, बंदर आएगा तो आयुष्मान को छोड़ देंगे। तू कंट्रोल कर बंदर को, हम खाना बनाने में फोकस करते हैं। उसको ही उठा के लेके जाएगा बंदर। ये कर्नाटक है कि तमिलनाडु? इधर तमिलनाडु, ये कर्नाटक। वही तमिलनाडु आइलैंड, इधर से कर्नाटक है। यस। अभी देखो, अभी हम फिर से एंट्री किए कर्नाटक, तमिलनाडु से आ रहे थे, अभी फिर से कर्नाटक में एंट्री किए। ऐसा बार बार होगा, फिर से जब डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले फिर से तमिलनाडु में एंट्री होगा। मैं बोला था ना, बेंगलोर से थोड़ा ही आगे जाओ जंगल मिल ही जाता है। मिल गया जंगल, 40 किलोमीटर ही आए। फिर ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये तो पूरा कनेक्टेड है, पूरा BR हिल्स, इवन आई थिंक वेस्टर्न घाट तक इसका कनेक्टिविटी है।
तो कभी कभार वो जंगल से ना बी आर हिल्स वो साइड वो टाइगर रिजर्व है, वो साइड से ये साइड पे भी कभी कभार टाइगर आ ही जाते हैं। यार ये मतलब ड्राइव, क्या ही मजेदार रोड, क्या ही मजेदार नजारे। और क्या बोलो, क्या बोलेंगे यार, मतलब मन खुश, दिल खुश हो जाता है ऐसा जगह में गाड़ी चलाने के लिए। अभी हम मुगुरु फॉरेस्ट एंट्री किए, ये आप जो देख रहे हो पूरा ऑफ रोड ट्रेल है। ऑफ रोड तो पूरा नहीं है, मतलब रोड है लेकिन तार रोड नहीं है, मिट्टी वाला रोड है। हम कौन से अगस्त में का महीने में आए थे ना, लास्ट टाइम हम अगस्त का महीने में आए थे, थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा था। अभी स्प्रिंग चला ना, इसलिए सूखा सूखा दिख रहा है, अलग सा व्यू है। ये कुछ 3-4 किलोमीटर तक ऐसा रोड रहेगा, उसके बाद फिर से तार रोड आता है, उसके बाद जो 3 किलोमीटर आएगा वो काइंड ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रोड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब था रोड, लेकिन वो भी मज़ा आता है यार। ऐसा रोड में चलाने के लिए रोड क्यों चाहिए, मेरे साथ तो रोड चाहिए ही नहीं, ऐसे ही रोड में मज़ा आता है चलाने के लिए, मतलब फील आता है उसका, मतलब जंगल वाला पूरा। मिट्टी वाला रोड ख़त्म हो गया, फिर से तार रोड आया, अभी लास्ट 3-4 किलोमीटर फिर से ऑफ रोड आएगा, वो तो और डीप जंगल है। अभी क्या कंट्री साइड, खेती वेती शुरू हो जाएगा थोड़ा आगे। और एक इंटरेस्टिंग लोग जो बाहर से देख रहे हो, कर्नाटका से बाहर से इधर नोटिस किया आप लोग, मतलब गाय का शकल और उनका हॉर्न देखो कितना बड़े बड़े। हम भी जब पहली बार इधर आए देखे थे ना, हमको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आया था। वाओ, डब्बागुली टेंपल। फॉरेस्ट चेक पोस्ट एंट्री हुआ, अभी 3 किलोमीटर में पहुंच ही जाएंगे नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। भूख भी लग रहा है यार, ये रिकॉर्ड कर करके आने में ना थोड़ा टाइम हो जाता है। और ये रोड ना काफ़ी ख़राब था ऐसा लग रहा था, अभी तो पूरा मतलब मैनेजेबल है, तार रोड नहीं है लेकिन फिर भी इट्स मैनेजेबल, कोई भी व्हीकल आएगा। लास्ट टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला व्हीकल नहीं आ पाएगा, ऐसा फील हो रहा था, अभी तो ठीक ही ठाक लग रहा है रोड। ये देखो एलिफेंट डंक, मतलब हाथी वाती तो है ही यार, ये डीप फॉरेस्ट है पूरा, डीप फॉरेस्ट, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहुँच गए जी डब्बागुली, बहुत ही मज़ेदार जगह है, जंगल के बीचों बीच कावेरी नदी बह रही है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से होके। काफ़ी शांत जगह है यार, मतलब हमको लग रहा था कि अभी मार्च के महीने में शायद ज़्यादा पानी वानी नहीं रहेगा, लेकिन पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, नहा सकते हैं। घर से वैसे सिर्फ ब्रेड बटर खा के आए थे, तो भूख तो लगी रहा था, तो और थोड़ा जो ब्रेड था वो और थोड़ा बहुत बिस्किट खा लिए, ताकि हम कुकिंग करने में 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो एक जगह देखे पूरा छाँवदार, उधर जाएंगे, हमारा तारपलिन है, मैट है, वो सब है, सब रेडी करके उधर हम रिलैक्स करेंगे आज। चलो
आज मेंबर भी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा। परफेक्ट। देखो यार कितना छांवदार जगह है और कंटिन्यूस पंछियों का आवाज, कितना सारे पंछियों का आवाज आ रहा है इधर। आयुष्मान सो गया। आयुष्मान अभी खाना खाएंगे, इधर रिलैक्स करेंगे 6 बजे तक। वैसे और एक अच्छा चीज़, आप ये देख रहे हो, हमने प्लास्टिक वाला था, हमारे पास पॉलीथिन था, तो इधर नो प्लास्टिक जोन है पूरा, तो फॉरेस्ट चेकपोस्ट जो है उधर सब कुछ प्लास्टिक रख लिया और वो लोगों ने ये दिया हमको, नहीं तो वैसे भी हम निकाल देते। वैसे हम लोग भी तो जिधर भी जाते हैं ना, सारे हम कैरी करते हैं वापस, लिटर तो नहीं करते, बट फिर भी मैं बता दिया नो प्लास्टिक जोन है। तो आज तो वैसे बहुत सारा चीज़ बनाना है। क्या क्या बनाएंगे? आज पूरा ओडिया डिश, पखाड़, साग भजा, बेसर, बड़ी चूरा और एक क्या बोलते पनीर। पनीर तो बनेगा, पनीर तो ऐसे ही फ्राई कर देंगे, वो नॉन इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, अभी फिलहाल के लिए आयुष्मान और इन लोग के लिए। तो इतना सारा आइटम बनेगा तो एफर्ट तो लगेगा ही, तो इसीलिए क्या करते हैं पहले सब रेडी करते हैं, सब कुछ अरेंज करवा देंगे, काट कूट के या करके सब कुछ रेडी करके दे देंगे, तो जब वो खाना बनेगी मानी फिर हम जाएंगे थोड़ा पानी में मस्ती करके आएंगे। मैं इधर बंदर के साथ मस्ती। हाँ अगर बंदर आ जाएगा तो फिर मस्ती हो जाएगा, बंदर तो वैसे दिख नहीं रहे एरिया में। नाम मत लो। नहीं तो खाना खाने के बाद जाएंगे, जनरली लोग खाना है मतलब नहा धो के, नहा धो के तो आ गए ना, आगे घर से आगे नहा कर ही खाना है। लेकिन अभी अगर नहीं होगा तो खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे, जाने के टाइम पे पानी में मस्ती करके चले जाएंगे, वो भी चलेगा ना। हाँ फिर क्या बोलते हैं, फर्स्ट पानी में जाना है, उसके बाद जो कुछ भी करना है। हर एक का अलग अलग प्रायोरिटी रहता है, एज के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट चेंज होता रहता है एज के हिसाब से। यही बेनिफिट है, पानी नजदीक है तो धोने में क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये साग धोने के लिए इसको तो बहुत पानी चाहिए रहता है, शुक्र है कि इधर पानी का कोई कमी नहीं है। हो गया हमारा क्लीन होके साग लेके आगे, पानी भी थोड़ा लेके आगे क्योंकि जरूरत है, वेजिटेबल जब कट करेंगे सब साफ करने के लिए। अभी तैयारी शुरू। वैसे हमारा प्रेशर कुकर में क्या है, राइस के साथ पोटैटो, आलू बॉईल कर रहे हैं, बाकी का अरेंजमेंट करेंगे अभी। हमारा उड़ीसा में ना एक बहुत ही बढ़िया डिश है बेसर, उसका प्रिपरेशन, क्योंकि उसका जो मसाला पेस्ट है ना उसके लिए चाहिए मस्टर्ड, क्या क्या, जीरा और लहसुन और सूखी मिर्च। हाँ। वो सबका एक पेस्ट, जनरली जो मस्टर्ड है ना सरसों वो थोड़ा ज्यादा यूज करना है, बाकी थोड़ा जीरा, थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा पानी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन, हाँ ये नहीं है, मिक्सी नहीं है, और ये एक्चुअली बेहतरीन वे है एक्चुअली करने के लिए, क्योंकि उसका फ्लेवर आएगा इसमें से। आयुष्मान को काम में लगा दिया क्योंकि ये पेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लेगा। इसमें सूखी मिर्च नहीं डालेंगे? डालेंगे उसके अंदर ही, लेके आ। हाँ। लोग को पढ़ाइए।
ये लोग पानी में उतरने के लिए जा रहे हैं, हम थोड़ा और मदद करेंगे, उसके बाद हम बाद में जाएंगे। हाँ, ये जगह का कमी ना, तो हम पहले जो राइस बना हुआ है, एक ही प्रेशर कुकर है तो राइस जो बन रहा है वो निकाल देंगे ये बर्तन में, फिर इसमें हम प्रेशर कुकर, ये जो हम बेसर बनाएंगे ना, पहले इसको ना एक सीटी ले लेंगे प्रेशर कुकर से, हाई स्पीड में। प्रेशर कुकर में सीटी नहीं लेना था जब घर पे थे। हाँ, घर पे थे तो वैसा अलग बनाते हैं ना, पूरा खुला में ही बना था। अभी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बनाना है। नहीं वो लेकिन बस बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, पानी देंगे, थोड़ा नमक डाल के सीटी ले लेंगे। एक सीटी डालने से पूरा सॉफ्ट नहीं होगा, और उसको ऐसे ही पानी के साथ हम वो जो ये मसाला पेस्ट हमने जो बनाया, मस्टर्ड, जीरा, मिर्ची और लहसुन का, उसका पेस्ट में नॉर्मल, मतलब क्या बोलते हैं, प्याज थोड़ा फ्राई होने के बाद ये करेंगे, ये करने के बाद फिर टमाटर डालेंगे, वो थोड़ा ग्रेवी बनने के बाद ये जो प्रेशर कुकर का सीटी हम लेके आए थे वो फिर उसमें ऐड कर देंगे। वैसे इसका रेसिपी हमारा फूड टू एक्सप्लोर चैनल में है, फूड टू एक्सप्लोर डॉट वो वाला चैनल में है, उसका लिंक, वैसे फूड टू एक्सप्लोर के नाम पे बहुत सारा चैनल है इसीलिए कन्फ्यूजन होंगे, और हमारा वैसे उधर शक्ल नहीं दिखता या हम बोलते नहीं उसमें, तो मालूम नहीं पड़ेगा किसका चैनल है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, उसमें है हमारा बेसर वाला रेसिपी पूरा। ये जो पनीर वाला प्रिपरेशन हो रहा है स्पेशली आयुष्मान के लिए, उसको पनीर पसंद है वो साग और बेसर थोड़ा खाता है लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं, वैसे आजकल बच्चे लोग को ना जो लीगेसी फूड, बहुत पुराने जमाने का जो खाना रहता था, मतलब दादियों वाला कब से चला आ रहा है ना, वो वाला टाइप थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। और जैसे ही हम थोड़ा, इवन हमको भी बचपन में इतना इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीज़ में, लेकिन जब एज होता है ना वो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो वो वाला डिश पुराने वाला वो सारे चीज़ ना बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये बच्चे लोग उतना इंटरेस्ट में नहीं खाएंगे, तो उनके लिए वैसे हम घर पे कुछ भी बनाते हैं तो आयुष्मान खा ही लेता है, इतना ज़्यादा ये नहीं है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं ना भाई पिकनिक में आए तो उसका भी तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनना चाहिए कि नहीं। आयुष्मान का फेवरेट वाला डिश बन गया, अभी हमारा फेवरेट वाला बन रहा है बेसर। उसके लिए मेन कंपोनेंट रहता है ये बॉडी, उड़द दाल से बनता है, मुझे लगता है हर स्टेट में वैसा कुछ कुछ ना कुछ अलग रहता है बॉडी। और एक अनोखा डिश हमारा उड़ीसा का पखाड़, तो पखाड़ में सबसे स्पेशल है यस। एक तो आप राइस को फर्मेंटेड करके उसका जो पानी उसमें से यूज़ कर सकते हो, वो एकदम लीगेसी ट्रेडिशनल वे। सेकंड वे है आप दही डाल सकते हो। थर्ड वे है बटर मिल्क डाल सकते हो, तो मतलब वो जो पका हुआ राइस उसमें बटर मिल्क ऐड करके थोड़ा रेस्ट करवाएंगे उसको, उसमें थोड़ा प्याज और क्या बोलते हैं मिर्ची प्याज लगा के, मतलब ऐसे ही वाटरी करके खाना है। सबसे मतलब हमको टेस्टी लगता है ये, और ख़ास करके उड़ीसा का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड बहुत रहता है, गर्मी ह्यूमिड, और ये भी फार्मर का बहुत फेवरेट रहता है, जब खेत में जाते हैं आने के बाद फार्मर का नहीं सारे उड़ीसा वासी का ये फेवरेट है पखाड़। हाँ वो तो करेक्ट है, वो करेक्ट है, सिर्फ फार्मर लोग का नहीं लेकिन वो लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि जैसे ही खेत से आओगे आप थकान होके कुछ ना कुछ खट्टा वाला चीज़ ऐसा चाहिए रहेगा ना, तो वाटरी जैसा, इसको ऐसा मिक्स नहीं, मतलब वाटरी जैसा ही खाते हैं।
खाना हो गया रेडी 2:45 तीन बजे के आसपास हो गया, क्योंकि आइटम ही इतना बना। आपको डिटेल में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमने बनाया। तो ये देखो, ये है हमारा साग भजा बोलते हैं, साग है। और ये तो पनीर आयुष्मान का स्पेशल पनीर चिली टाइप बनाया, बेसर मस्टर्ड पेस्ट में जो बनाया। और ये हमारा आलू चौकुड़ा मीन्स बॉइल्ड पोटैटो को आलू भरता, तो उसमें ये लगाते हैं ना, तड़का लगाते हैं। ये तड़का लगाने वाला नहीं है। तो ये जो आलू होता है उसको बॉयल करके उसमें से थोड़ा मस्टर्ड ऑयल और प्याज, थोड़ा प्याज और मिर्ची ऐसा लगा के, नमक लगा के, वो एक बढ़िया सा डिश रहता है, मज़ा आता है। पखाड़ा भात के साथ पखाड़ा, ये देखो पखाड़ा, इसमें ड्राई मैंगो भी और थोड़ा डाला और थोड़ा खट्टापन लाने के लिए विथ बटर मिल्क। अम्बुला पखाड़ा, चलो खाने का मज़ा लेते हैं, फिर जाएंगे थोड़ा पानी के आसपास। अच्छा लग रहा है आयुष्मान, तुझे तो ऐसा पानी में हाथ मार के ऐसा खेल खेल के खाने में बहुत मजा आता है, मुझे पता है। हैं उसमें यार क्या भूख लग रहा है, मतलब सुबह से खाए थे, ब्रेड खा के आए थे, फिर खाए वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी यार 2:45 हो गया तो भूख ज़बरदस्त। तो कैसा भी बनाया रहेगा टेस्टी तो लगेगा ही। हो गया हमारा लंच। अभी सारे बर्तन वर्तन क्लीन कर लेंगे, पानी तो अवेलेबल है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर घर जाके ठीक ठाक साफ़ करेंगे। आप लोगों को ना ये नज़ारा देख नहीं पाया क्योंकि अभी तक हमारा कुकिंग वुकिंग सब चल रहा था, तो अभी थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे हैं। तो सोचा आप लोगों को ना एक बढ़िया सा नज़ारा ये पूरा एंटायर एरिया का दिखा लें, और ड्रोन शॉट से बेहतर और क्या हो सकता है ये जगह को अच्छी तरह से दिखाने के लिए। तो आप ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसा लगा जगह यार जन्नत से कम नहीं है यार, मतलब एकदम नेचुरल प्लेस, जंगल के बीचों बीच नदी, सेकंड टाइम, इसलिए इसे जगह का ना बार बार आना भी चाहिए, मन नहीं भरता कितने बार भी आओ। वैसे गेटअप चेंज हो गया ना, इधर आए तो कावेरी नदी में थोड़ा डुबकी लगा ही लेते हैं, ये तो मज़ा गया यार। आयुष्मान तो गंगा तो नहीं जा पाए, गंगा में नहा नहीं पाए, नहाना चाहिए था उधर वैसे। और आयुष्मान का तो दूसरी बार अभी डुबकी लगाएगा, एक बार भाई के साथ जाके आ गया, एक बार पापा के साथ, अभी मेरे साथ बोलता है नहीं फिर से नहाना है, भाई वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है आयुष्मान तेरे लिए। कोई नहीं, वैसे गर्मी इतना है ना इधर, पानी में बहुत मजा आने वाला है। रुक जा मेरे आना तक, रुक जा। ठंडा तो लग रहा है पानी। कौन सा? नहीं नहीं इधर थोड़ा पानी है ना, तो डुबकी लगाने जैसा पानी है, चाहिए भी है ना। कपड़ा से कपड़ा से इधर बैठने के लिए भी। मुझे से पानी पिएगा?
पानी फेंकना। स्लिपरी है, स्लिपरी। कावरी में डुबकी लगा के आ गए और उधर एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, आई थिंक शिव जी का, हाँ शिव जी का टेम्पल है, नंदी जी को पूजा किया जाता है। और इवन ऑन द वे हम उधर से निकल भी गए और ऑन द वे ये खूबसूरत सा मंदिर भी देखा, जाने के टाइम पे देखे थे तो सोचे कि आने के टाइम पे इधर रुकते हैं। कोई नहीं, मतलब जंगल के बीचों बीच बहुत ही छोटा सा टेम्पल है और इधर भी नंदी का पूजा होती है। और आयुष्मान सो गया, जैसे हम उधर से निकले आयुष्मान सो गया, गाड़ी में सोया हुआ है। तो हम रिटर्न कर रहे हैं बेंगलोर, अभी टाइम कितना 5 o'clock होगा रहेगा, 5:10 या 5:15 हाँ। हुआ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का पूरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आयुष्मान सोया हुआ है तो वो जय जगन्नाथ नहीं कर पाया आज। सो गए मजे से, कैंपर वैन का फुल मजा। फुल इस्तेमाल।